सुप्रभातम बच्चों, कक्षा दसम विषय संस्कृत से एकादशा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विचित्र साक्षी, मींस होता है विचित्र गवाह। इसका भाग एक हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी धनहीन व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। सह स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दातुम सफलो जातः। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तन्या तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः। वहाँ उनका पुत्र वहाँ छात्रावास में रह कर ही अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परमर्थ काशर्येन पीड़ितः सह बस्यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत। तो धन की कमी के कारण वह बस की यात्रा को छोड़कर पैदल ही निकल गया। पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अप्यसो गंतव्याद दूरे आशित। और पैदल चलते रहने के क्रम से चलते हुए शाम के समय में भी, मतलब शाम का समय भी हो गया, तब भी वे क्या है, अपने गंतव्य जहां उनको पहुंचना था वह उससे बहुत दूर थे। निशांत कार्ये प्रश्रिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभा वहा। अब रात्रि के अंधकार फैला हुआ था और निर्जन प्रदेश में पैदल चलना या पैदल यात्रा करना कल्याणकारी ना होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। एवं विचार्य सा पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुं कंचित गृहस्थम आगता। यह सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात का समय व्यतीत करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंच गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम् प्रायच्छत। दयावान गृह स्वामी ने उनको आश्रय प्रदान किया, आश्रय दिया। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति क्या है, विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। तो उनके उसी रात में ही उसके घर में उसी रात में उनके घर में एक चोर घर में प्रवेश किया, मतलब घुस गया। तत्र निहितम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। और वहाँ जो क्या बोलते हैं, वहाँ जो पेटी, उनके घर में जो पेटी रखाया हुआ था उनको लेकर चोर वहां से भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रभुतो अतिथिः चोर शंकया तमन वधावत। तो चोर के पैरों की आवाज सुनकर प्रबुद्ध अतिथि क्या किए, चोर की शंका से उनके पीछे गए, चोर है करके उनके पीछे जाते हैं। अग्रिहे नाच्य परम विचित्रताम घटत। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके पीछे दौड़े, उसके बाद उसको पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद क्या होता है, उनको पकड़ने के बाद परम विचित्रताम घटत, एक विचित्र घटना घटती है। चौरह एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत। तो अब
चोर ही क्या करते हैं, ऊंचे स्वर में, मतलब ऊंचे ऊंचे ऊंची आवाज करके चिल्लाने लग जाते हैं कि चोरो अयम चोरो अयम, यह चोर है यह चोर है। मतलब उल्टा ही चोर क्या है, उस अतिथि को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चोरम् मत्वा अभर्त्सयन्। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके ऊंचे आवाज को सुनकर जो प्रबुद्ध, मतलब वहां के जो ग्रामवासी है, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वह अपने घर से निकलकर वहां गए जहां पर वे चिल्ला रहे थे, जहां पर जो चोर जो है वो चिल्ला रहे थे। तो वराकम तिथि में अचा चौरम मत्वा अमर्त्य सन। तो अब सभी ग्रामवासी क्या क्या समझे, उस अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।